हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको भौतिक राशियों की बीमा निकालना सिखाने वाले हैं और बीमा निकालने का सबसे आसान तरीका आज के इस वीडियो में बताऊंगा। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बीमा वाले क्वेश्चन जरूर होते हैं कि इस भौतिक राशि की बीमा क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो कैसे आप आसानी से कितना, क्योंकि कोई भी चीज़ आप रट के कितना ज़्यादा रटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन घूम भी सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। तो बहुत ही आसान तरीका है बीमा निकालने का, ध्यान से देखिएगा। कोई भी, चाहे बड़ी राशि आए चाहे छोटी राशि आए, आप सभी का बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। बस ध्यान से देखिए आज की इस वीडियो को, और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि जैसे लंबाई किस चीज़ में मेजर करते हैं, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ। ठीक है, लेंथ यानी लंबाई। तो लंबाई की जो बीमा होती है वह एल होती है। इसी तरीके से हर एक क्वांटिटी का, ठीक है, जिसको जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर उसकी जो है डायमेंशन होती है। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, एम। ठीक है, तो ऐसे आपकी जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं सभी की, ठीक है, जैसे समय, समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम। तो टाइम का पहला लेटर टी है। तो इसी तरीके से जितनी भी भौतिक राशि है उसका फर्स्ट लेटर उसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक डायमेंशन की बात। अब ये जब कंबाइन संयुक्त रूप से कंपाउंड रूप में आते हैं तब इनकी बीमा कैसे निकालते हैं। जैसे बल, जैसे अगर हम बल की बात करें तो बल इजकल टू, अगर आपको याद हो तो बल इजकल टू फार्मूला क्या होता है, बल यानी कि एफ इजकल टू क्या होता है, मास गुणे एक्सीलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एफ इजकल टू एम जी भी होता है, ठीक है, दोनों भी चीज़ें। एम क्या है, मास है यानी कि द्रव्यमान है। तो एम की बीमा, एम क्या है, मास द्रव्यमान। तो एम की बीमा क्या हो गई, मास भाई, मास की बीमा एम ही हो गई। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक क्या होता है, अगर जी या एक्सीलरेशन या ए, इन दोनों के मात्रक की बात करें तो इन दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर, मीटर आपका किसकी यूनिट है, लेंथ की, लेंथ की यूनिट है कि नहीं है, लेंथ यानी कि लंबाई की यूनिट है। तो इसकी एम की बीमा क्या हो जाएगी, एल। इस एम की बीमा यानी मीटर, मीटर की बीमा क्या हो जाएगी, एल। बचे सेकंड, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो इसकी बीमा क्या हो गई, टी स्क्वायर। और इसको आप बड़े ब्रैकेट के अंदर रखिए, कोई भी बीमा आप लिखते हैं तो उसको क्या कीजिए, बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब सबको ऊपर लिख लीजिए, तो एफ की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल, टी की पावर 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा। तो फाइनली बीमा हमारे पास क्या निकल के आ गई, एम एल टी की पावर -2। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे निकलेगी, आपको याद होगा कूलाम का नियम में। ठीक, कूलाम का क्या नियम था, एफ इजकल टू 1/4πε0Q1Q2 और बटे में R2। हमें चाहिए बीमा एप्सिलॉन नॉट की, इसी एप्सिलॉन नॉट की चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट को ले आओ इस साइड, तो एप्सिलॉन नॉट इजकल टू एफ इधर आ जाएगा नीचे, तो 1/4πf(f)(Q1Q2)/R2। ठीक है, तो अब हमें एप्सिलॉन नॉट की बीमा अगर चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालने के लिए 4π तो आपका कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा होती नहीं कांस्टेंट टर्म की। हमें एफ की बीमा निकालनी होगी, दूसरा Q1 Q2 क्या है, आवेश। तो आवेश की बीमा क्या होगी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको रटना नहीं है। R का मतलब क्या होता है, दूरी, लेंथ, उनके बीच की दूरी। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। क्यू, हाँ बात कर रहे थे क्यू की, तो क्यू की बीमा क्या होगी, क्यू इजकल टू क्या फार्मूला होता है, I(T). I का मतलब होता है धारा, ठीक है, करंट को डिनोट करता है, और करंट धारा को इंग्लिश में किस, करंट को किस क्वांटिटी में मेजर किया जाता है, एम्पियर में। तो इसकी जो बीमा होती है वो क्या हो जाएगी, एम्पियर। और आगे T का मतलब क्या, टाइम। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, T। तो Q की बीमा क्या हो गई, AT। तो Q1 Q2, Q1 की भी बीमा AT और Q2 की भी AT। तो सीधे सीधे Q1 Q2 की बीमा क्या होगी, A²T²। ठीक है, A²T²। तो अब नीचे आपका बच रहा F और R²। तो F की बीमा ये होती ही है,
एफ का मतलब बल, ये भी माँ होती है, और आर की भी माइल स्क्वायर। तो नहीं, ऊपर फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये ऊपर मिला, और नीचे एम एल टी की पावर माइनस टू और आर स्क्वायर है, तो आर की भी माँ एल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो ये एम नीचे है तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, एम की पावर माइनस वन, ठीक है। एक एल यहाँ है और दो एल यहाँ, तो दो एल मिलकर कितने, एक और दो कितने हो गए तीन, तो एल की पावर माइनस थ्री, क्योंकि नीचे है तो ऊपर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, और टी की पावर माइनस दो ऊपर है इसको ले जाओगे प्लस दो हो जाएगा, तो प्लस दो चार, टी की पावर फोर और ए स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली अब साइलेंट नाट की वहाँ क्या हो गई, एम इनवर्स, एम इनवर्स, ठीक है, एल की पावर माइनस तीन, ए की पावर फोर और टी स्क्वायर, ये आपके एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई, ठीक है। चीज़ें समझ में आई, अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो तुरंत आप लोग एप्स फाई ई यानी कि वैद्युत फ्लक्स की बीमा कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तुरंत के तुरंत, ठीक है। और हम बढ़ते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो बीमा किसकी, सी की बीमा, ठीक है, किसकी बीमा, सी की बीमा निकालनी हो, या चलिए मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र अगर ई की बीमा आपको निकालनी हो, किसकी बीमा, ई की बीमा निकालनी हो, उसके बाद पहुंचते हैं सी की तरफ, ठीक है। तो अगर आपको ई की बीमा चाहिए तो आपको ई का फार्मूला पता होना चाहिए, ई इजकल टू क्या फार्मूला होता है, एफ अपान क्यू, एफ की बीमा, एफ की बीमा क्या होती है, एम एल टी की पावर माइनस टू और क्यू, क्यू की बीमा होती ए टी। अब इसी को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, ऊपर क्या हो गया था एम एल टी की पावर माइनस टू और नीचे आपका था ए टी, ठीक है, ए टी। अब इसी को सॉल्व कर लो कितना फाइनली आ गया, एम एल टी की पावर वन, ठीक है, क्योंकि देखो एक टी नीचे है दो टी ऊपर, टी से टी एक कैंसिल हो जाएगा, तो टी की पावर वन और टी की पावर वन लिखा नहीं जाता है, ठीक है, और ए की पावर माइनस वन, ठीक है। तो क्या बीमा हो गई, एम एल, एम एल रुक जाओ सही से लिख देता हूँ, एम एल टी ए की पावर माइनस वन, ये आपकी किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की बीमा हो गई, ठीक। इसी तरीके से इधर आ जाइए, अगर हमें सी की बीमा निकालनी हो तो सी इजकल टू क्या फार्मूला होता है, सी इजकल टू क्या फार्मूला होता है, क्यू अपान बी, सी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, क्यू अपान बी, और वी यानी वी इजकल टू क्या फार्मूला, बी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, वी इजकल टू लिखते हैं डब्लू अपान क्यू, डब्लू अपान क्यू। तो फाइनली क्या हो जाएगा, क्यू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान डब्लू, ठीक है। डब्लू क्या है, कार्य है, और कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी, इसको डब्लू को क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपान एफ इंटू डी, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू डी। अब देखिए आपको क्यू की बीमा पता हो गई, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर के, क्योंकि बीमा होती ए टी स्क्वायर लगा है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल बात समझ में आई। एफ, एफ की बीमा अभी भी कैलकुलेट की गई। उसके बाद डी, डी का मतलब होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी, और दूरी की बीमा क्या होती है, एल, ठीक है। अब सबको सॉल्व कर लो, आपकी सी की बीमा आ गई। इसी तरीके से अगर हम बी की बीमा, बी की बीमा की बात करें तो बी की बीमा अभी अभी बताई गई, बी इजकल टू क्या फार्मूला होता है, डब्लू अपान क्यू, डब्लू अपान क्यू, डब्लू इजकल टू क्या होता है, W की बीमा नहीं पता तोड़ लो, एफ इन टू डी अपान क्यू, एफ की बीमा एम एल टी की पावर माइनस टू, डी की बीमा L, नीचे Q, Q की बीमा ए टी। सबको सॉल्व कर लो, अरेंज कर लो, ऊपर नीचे तो करना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इतने दिनों से मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये बीमा आपकी निकल गई, ठीक। इसी तरीके से Q की बीमा, Q इजकल टू क्या होता है, I इन टू टी, ये फार्मूला, I की बीमा A और T समय का मात्रा किसकी बीमा हो गई, तो ए टी क्यू की बीमा होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी भौतिक राशि हो, चाहे आपकी छोटी हो या बड़ी हो, आप उसके सिंपली अगर आपको बीमा नहीं आता, और बीमा वैसे रटने की चीज़ भी नहीं है, सिंपली आप जो है चले जाइए उसके बेसिक चीज़ की तरफ, ठीक है। बेसिक पे बिल्कुल जाइए कि ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से यूनिट या कौन कौन से मात्रक यूज हुए हैं, अगर आप ये पता कर लिए कि इसका मात्रक क्या है और ये जो मात्रक इसका बन रहा है किन अलग अलग छोटे छोटे मात्रक से मिलकर बना है, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो कोई भी बीमा आप चुटकियों में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को बीमा निकालने के लिए इस वीडियो से
सारी क्वांटिटी की आप बीमा आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो। आई होप आप सभी को बीमा निकालना अच्छी तरीके से आ गया होगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।